ठीक है, सिंपल वाला काम हो गया, हमने कुछ नहीं किया, एक फोटो खींचा, फोटो को क्रॉप किया, साइज सेट किया और 4x6 में उसको सेट कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं इसी फोटोग्राफ पे क्या क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि इसके बैकग्राउंड को आप देखिए, ठीक है। अब ये मेरे पास फोटो, मल्टीपल तरीके हैं, 3-4 तरीके आपको हम समझाएंगे। अब इसका ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को हम पहले डार्क करेंगे। कैसे डार्क करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ये मैजिक बैंड टूल को। मैजिक बैंड टूल क्या करेगा कि एक कलर को सेलेक्ट कर लेगा, ये देखिए, शिफ्ट के साथ यूज करेंगे इसको, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत है? ओके, इसके बाद हम चले गए एडजस्टमेंट में, इमेज के एडजस्टमेंट में, ठीक है, और यहां से आगे कलर बैलेंस में, ठीक है ना, कलर बैलेंस में आ गए और यहां से हम इसके कलर को बैलेंस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, लेकिन जब इसको चेंज कर रहे हैं, लाइट और डार्क कर रहे हैं, तो इसके देखो यहां पे कुछ शेड कम हो रहा है, कहीं पे कुछ ज्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब ये काम करते हैं, ये काम तो आप कर सकते हो अगर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें देखो, इसके फोटोग्राफ को अगर आप देखोगे तो कुछ ने एक पर्दा खड़ा किया है पीछे और फोटो खींच, तो ये एक तरीका है कि आप इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लो और उसके बाद उसके कलर को चेंज कर लो। पर ये भी तरीका हम यूज नहीं करेंगे, हम तरीका यूज करेंगे कोई दूसरा। ये समझ में आया आपको? अच्छा, ये फोटो मेरा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना, बार बार सेलेक्ट है ना, हमको इसको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल डी लगा देते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो कि बाहर का एरिया भी सिलेक्ट है, अगर हम उसको उठाते तो ये एरिया उठ रहा है, उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, उठ रहा है ना, डी सिलेक्ट, कहां कंट्रोल डी लगाए अभी हम, कंट्रोल डी नहीं यूज किया अभी, अभी ये वाला एरिया उठ रहा है ना, पीछे वाला है कि नहीं है, ठीक है। अगर इस सिलेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, जो एरिया सिलेक्ट है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और जो अनसेलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं और यहां से कहते हैं इनवर्स, ठीक है, ओके। तो हमने कहा इनवर्स, तो अब ये सिलेक्ट हो गया, ये उठ रहा है कि नहीं है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहां आते हैं, हम बोलते हैं न्यू, और न्यू बोल करके हम बोलते हैं हमारा होना चाहिए 3 सीएम में, और यहां पे भी होना चाहिए 3.5 सीएम में, रेजुलेशन 300, ओके किया, नहीं हमको मिल गया। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी कलर यूज कर लेते हैं, याद रहे वो कलर 100% होना चाहिए यहां से आरजीबी कलर यूज कर रहे हैं, येलो कलर यूज करते हैं या कोई और कलर, जैसे कि ये वाला कलर यूज कर लेते हैं, हमने कहा ओके, और इसको फिल करा देने के लिए आप यहां से पेंट पकड़ लेंगे, इस पर क्लिक रखना है, ठीक है, खुल जाएगा। ये समझ में आया, यहाँ पे गए, कलर सेट किया, पेंट बकेट लिया और यहाँ पे फिल करा दिया, क्लियर हो गया। अब हम इस फोटो को यहां से मूव करा देते हैं इसके अंदर, लेकिन जब ये आया तो देखो इसके बहुत सारे क्रैक्स बन रहे हैं, बन रहे नहीं बन रहे, ठीक है, आ रहा है समझ में, तो ये नहीं चलेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया फाइल लेते हैं,
ओके किया, सेम कलर फील कराया। अब हुआ क्या कि जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो बहुत सारी जगह ये टूटा है, कहीं झूठा है ऐसा। तो हम एक काम करेंगे, इसके अंदर हम जाएंगे सेलेक्ट में और यहां पे देखिए एक कमांड है फैदर, ठीक है। अब आप ऐसे नहीं पता चलेगा, आप इसको जरा जूम कर लेते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। ये देखिएगा, आप इसमें नोटिस करिएगा, ये बिल्कुल कैसा है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ निकला हुआ है ना। हम आते हैं सिलेक्ट में, हम बोलते हैं फैदर और इसको कहते हैं दो, मैक्स ज्यादा नहीं दीजिएगा, दो तीन ना, ओके करते तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, ये गोल हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मूव कराते हैं इस वाले में। अब आप दोनों फोटो को नोटिस करिएगा, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला है, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? ना ये सही है ना ये सही है, दोनों ही खराब है। लेकिन अभी अगर आपको इसको निकाल के दे दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सही है या खराब है, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, दो तरीके आपको समझ में आ गए, लेकिन जो हमारा तरीका होगा, जिस तरीके पे हम काम करेंगे, वो हमारा दूसरा तरीका होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम इस, रुक जाइए, इसको सेव कर लेते हैं।